जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पांचवे T20 मुकाबले को जीतने के साथ ही ट्रॉफी देते वक्त पंत की महानता देखकर रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया और इस दौरान रोहित शर्मा ने पंत की जमकर तारीफ की और एक ऐसी बड़ी बात कही जो कि आपके भी होश उड़ा कर रख देगी। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोले रोहित शर्मा, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में से कौन है बेहतरीन कप्तान, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला समाप्त हो चुकी है और ऐसे में पांचवा T20 मुकाबला ना तो भारत के लिए अच्छा साबित हुआ और ना ही साउथ अफ्रीका के लिए। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 3.3 ओवर में 28 रन की ही पारी खेली थी और उसके बाद पूरे ही मुकाबले में लगातार बारिश ने दखलअंदाजी की और जिसके चलते ये मुकाबला आगे बढ़ नहीं सका। और ऐसे में दोस्तों अब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतती तो वो इस सीरीज को भी 3-2 से अपने नाम कर सकती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ भारतीय टीम के पक्ष में ये फैसला गया नहीं और 2-2 से ये सीरीज बराबरी पर आकर अटक गई। लेकिन दोस्तों इसी बीच अब 2-2 से ये सीरीज ड्रॉ पर तो समाप्त हुई और साथ में रोहित शर्मा काफी ज्यादा भड़कते हुए इस दौरान BCCI पर दिखाई दिए। दरअसल दोस्तों यहाँ रोहित शर्मा ने BCCI को तो फटकार लगाई और साथ में ऋषभ पंत के लिए भी कुछ ऐसा कह डाला कि सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा कहते हैं कि बारिश किसी के काबू में नहीं है, हम वेदर को किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना ये है अगर BCCI थोड़ा ध्यान अगर मैदानों पर दे, अगर इनको कवर करवाया जाए तो शायद मुकाबले खेले जा सकते हैं। ऐसे निर्णायक मुकाबले अगर बारिश की भेंट चढ़ते रहे तो शायद कभी भी किसी भी सीरीज का नतीजा हम सभी को देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। हालांकि साउथ अफ्रीका ने भारत के दौरे पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका की टीम की मैं सराहना भी करता हूं क्योंकि उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में इस साल काफी ज्यादा अच्छा दमखम देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन भारतीय टीम ने शुरुआती मैच गंवाकर काफी बड़ी गलती करी, अगर वो एक भी मुकाबला 2 में से जीत जाते तो शायद आज भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम कर लेती और हमारे हर एक खिलाड़ी का जरूर मनोबल बढ़ता, लेकिन ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम ऐसा कर नहीं सकी। हालांकि पंत की कप्तानी शुरुआती 2 मुकाबलों में काफी ज्यादा खराब रही थी और अगर पंत शुरुआती मुकाबलों में अच्छी कप्तानी कर और अच्छी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिला देते तो शायद इस सीरीज को हम अपने नाम कर सकते थे। हालांकि यहाँ पर दोनों ही कारण भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह है और ऐसे में मैं मानता हूँ कि अगर ऋषभ पंत को आगे भी अपनी कप्तानी को जारी रखना है तो उसको अपनी कप्तानी में काफी बड़े बड़े बदलाव करने होंगे और पंत जब तक अपनी कप्तानी में बदलाव नहीं करेगा तब तक टीम इंडिया मुकाबले क्या सीरीज तो हारेगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत की तो जमकर फटकार रोहित शर्मा ने इस दौरान लगाई और साथ में BCCI को भी। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है रोहित शर्मा के इस बयान के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।